गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन पर एक वीडियो बनाया था जिसमें कि ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम नेगेटिव नंबर को साइंड मैग्नीट्यूड साइंड वन कॉम्प्लीमेंट और साइंड टू कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें ताकि जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें कंपैरिजन करके वो आपको ईजी वे में समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कंपैरिजन ऑफ साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन में। तो साइंड मैग्नीट्यूड में हमने ये डिस्कस किया था कि उसमें जीरो की दो रिप्रेजेंटेशन है, जीरो का प्लस जीरो और एक माइनस जीरो है। साइंड वन कॉम्प्लीमेंट में भी जीरो की दो रिप्रेजेंटेशन है, प्लस जीरो और माइनस जीरो, पर साइन टू कॉम्प्लीमेंट में जीरो की एक ही रिप्रेजेंटेशन है। अब साइन मैग्नीट्यूड में दो रिप्रेजेंटेशन है जीरो, जिसकी वजह से क्या है एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम होती है। सपोज करो आपके क्लास में दो स्टूडेंट्स के नाम एक जैसे है, तो अगर उसमें कोई सरनेम नहीं होगा या अगर सरनेम भी दोनों का सेम है तो उस केस में पता नहीं चलेगा कि आप किसको बुला रहे हो। अगर उनका रोल नंबर है तो वो क्या करता है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, तो हम रोल नंबर के हिसाब से रेफर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को। तो इसलिए यहाँ पर जीरो की दो रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इसमें क्या है एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम होती है। साइंड वन में भी अगेन जीरो की दो रिप्रेजेंटेशन है, अगेन देर इज ए एम्बिगस प्रॉब्लम, बट इन साइंड टू कॉम्प्लीमेंट देर इज ओनली वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो, दैट्स वाई इट इज अनएम्बिगस। अगर मैं साइन मैग्नीट्यूड की रेंज की बात करूँ तो यह है माइनस टू रेशु पर एन माइनस वन, माइनस वन टू टू रेशु पर एन माइनस वन माइनस वन, और साइन वन कॉम्प्लीमेंट में भी अगेन माइनस टू रेशु पर एन माइनस वन माइनस वन टू पॉजिटिव टू एन माइनस वन माइनस वन, बट साइन मैग्नीट्यूड में क्या है माइनस टू एन माइनस वन, तो यहाँ पर माइनस वन नहीं है, टू प्लस टू एन माइनस वन माइनस वन। अब यहाँ पर माइनस वन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जीरो की रिप्रेजेंटेशन एक है, तो इसमें माइनस जीरो नहीं है, तो इस माइनस जीरो की जगह एक हम नंबर अकोमोडेट कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी रेंज एक ज्यादा है इन दोनों के कंपैरेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं एन फोर बिट की बात करूं तो टू रेस टू पावर थ्री सॉरी फोर माइनस वन माइनस वन टू पॉजिटिव टू रेस टू पावर फोर माइनस वन माइनस वन, तो इस केस में होगा माइनस टू रेस टू पावर थ्री यानी एट, एट माइनस वन कितना हुआ माइनस सेवन, टू प्लस टू रेस टू पावर फोर माइनस वन थ्री यानी टू रेस टू पावर थ्री इक्वल टू एट, एट माइनस वन यानी सेवन। तो जो ये रेंज है माइनस सेवन से लेकर प्लस सेवन तक, बट साइन टू कॉम्प्लीमेंट में क्या है माइनस टू, तो यहाँ पर फोर माइनस वन टू, फोर माइनस वन माइनस वन, तो इसकी जो रेंज है टू रेस टू पावर थ्री, टू टू रेस टू पावर थ्री माइनस वन, तो यहाँ पर आएगा माइनस एट से लेकर सेवन तक, तो इसमें क्या है माइनस एट यानी एक ज़्यादा अकोमोडेट हो रहा है इनके कंपैरेटिव। क्यों? क्योंकि जीरो की क्या है इसमें एक रिप्रेजेंटेशन है, माइनस जीरो नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं माइनस एट इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम वन कॉम्प्लीमेंट का एडिशन करते हैं, सपोज करो एक नंबर प्लस एट और दूसरा नंबर क्या है माइनस एट, तो प्लस को हम क्या करते हैं प्लस एट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लस क्या है जीरो, और ये जो एट है ये आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे वन जीरो जीरो जीरो, तो बाइनरी जो इक्विवेलेंट है इस नंबर का एट का वो क्या है वन जीरो जीरो जीरो, और हम इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा जीरो जीरो जीरो। अब ये जो माइनस एट है माइनस एट को क्या करेंगे हम इस प्लस एट का जो ये नंबर है इसका अपोजिट, तो जीरो का क्या होगा वन, जीरो का क्या होगा वन, जीरो का क्या होगा वन, जीरो का होगा वन, वन का होगा जीरो, जीरो का होगा वन, जीरो का वन, जीरो का वन। अब हम दोनों का एडिशन करेंगे, तो जब हम एडिशन करते हैं तो जीरो प्लस वन होता है वन, जीरो प्लस वन होता है वन, जीरो प्लस वन होता है वन, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन 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 वन, तो आप देख सकते हैं कि
ये जो वन 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 है ये क्या है, रिजल्ट इज नेगेटिव जीरो। ये नेगेटिव जीरो क्यों है, क्योंकि इट इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो 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 जीरो। वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर हम जीरो को देखें रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होता है, जीरो 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 जीरो। लेकिन अगर हम माइनस जीरो करेंगे तो माइनस में हम क्या करते हैं, इसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी वन 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 वन। तो जीरो की रिप्रेजेंटेशन ये है, माइनस जीरो की रिप्रेजेंटेशन ये है। तो इसलिए वन कॉम्प्लीमेंट में दो रिप्रेजेंटेशन आ रही है जीरो की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, प्लस जीरो और एक माइनस जीरो। तो अगर मैं साइन मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो प्लस जीरो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो यानी ये क्या होगा, पॉजिटिव को शो करता है, यानी ये जीरो क्या है, पॉजिटिव। और जो ये बाकी क्या है 7 बिट्स, ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर साइन मैग्नीट्यूड में माइनस जीरो रिप्रेजेंट करना तो माइनस के लिए हम क्या करते हैं, वन लगाते हैं। जीरो क्या होता है, पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए वन। बाकी ये सेम नंबर रहेगा यहाँ पर। अगर मैं साइन वन कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ, अगेन प्लस जीरो क्या होगा, जीरो 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 जीरो। लेकिन अगर माइनस जीरो करना है तो यानी इसका क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या होगा, वन 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 वन। अगेन प्लस जीरो माइनस जीरो की ये देखो दो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। अगर मैं साइन कॉम्प्लीमेंट टू की बात करूँ, टू कॉम्प्लीमेंट, तो हम जीरो को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते, जो आपका प्लस जीरो वो तीनों में सेम रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन सिर्फ माइनस के केस में क्या होता है, अलग होता है। तो टू कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होगा, माइनस जीरो रिप्रेजेंट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जीरो का एक ही टाइप होता है टू कॉम्प्लीमेंट्स में। अब वो कैसे, अगर हम इस प्लस जीरो की बात करें तो टू कॉम्प्लीमेंट्स माइनस को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन टू कॉम्प्लीमेंट्स लेते हैं। तो पहले क्या करना पड़ता है, हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। तो ये सारे जीरो का वंस कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ ले लिया, वन 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 वन, यानी ये। उसके बाद वन कॉम्प्लीमेंट्स में हमें क्या करना पड़ता है, वन ऐड करना पड़ता है। तो ये हमने वन ऐड किया, वन प्लस वन क्या होता है जीरो, और वन प्लस वन क्या होता है जीरो। इसी तरीके से वन कैरी कैरी करता रहेगा, और लास्ट में क्या होगा, वन एंड कैरी जनरेट होगा, और बाकी क्या होगा, ये जीरो, क्योंकि वन प्लस वन होता है जीरो और वन कैरी करता है। तो लास्ट में यहाँ पर हम टू कॉम्प्लीमेंट्स में एंड कैरी को क्या करते हैं, डिस्कार्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, जीरो का भी हमने टू कॉम्प्लीमेंट्स लिया तो भी क्या आ रहा है, जीरो 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 ही आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, जीरो की सेम रिप्रेजेंटेशन है, यानी एक ही रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास 8 बिट रजिस्टर है, तो हमें उस 8 बिट रजिस्टर में क्या करना, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सपोज करो आपके पास साइन वन और साइन टू नंबर है, तो यहाँ पर साइन वन में जो आपके पास नंबर है वो है -126। तो इसको साइन वन में रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले +126 देखना है। तो प्लस क्या होता है, पॉजिटिव है, तो यहाँ तो जीरो आएगा साइन मैग्नीट्यूड के हिसाब से। और ये 126 को हम ये बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जब हम साइन वन कॉम्प्लीमेंट्स में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम इस सारे बिट्स का क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ जीरो है तो वन है, वन 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 वन, यानी जीरो 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 जीरो, लास्ट में जीरो है तो ये क्या हो गया, वन। तो ये वन कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब हम इसी वन -126 को रिप्रेजेंट करेंगे साइन मैग्नीट्यूड में, तो वो कैसे होगा, यानी ये जो बाइनरी नंबर है इसका वन कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये इसमें हम क्या करेंगे, प्लस वन करेंगे। तो जब 1000001 में आप प्लस वन ऐड करोगे, जैसे कि यहाँ पर 1000001 2 3 4 5 6 7 1, तो प्लस वन ऐड करोगे तो क्या होगा, 1+1 जीरो, और वन कैरी किया इधर 0000001। तो ये आपके पास आया साइन टू में रिप्रेजेंटेशन, जैसे 1000001 2, तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, -126। अब हम बात करते हैं प्लस 127, तो इसमें क्या है, ये
साइन मैग्नीट्यूड में प्लस होता यानी ये, और 127 हुआ आपका ये। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा बाइनरी में, ये जो बाइनरी जो इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो आएगा 127। साइन वन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इन बाइनरी डिजिट्स का कॉम्प्लीमेंट। तो 0111111 है तो ये क्या हो जाएगा 10000, तो ये क्या हुआ -127। अगर मैं साइन टू कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो हम क्या करेंगे, इस वन कॉम्प्लीमेंट में प्लस वन करेंगे। तो जब हम यहाँ पर प्लस वन करते हैं तो क्या होगा 0 + 1 1, तो यानी यह वन और ये वन वन और बाकी ये क्या 0, तो ये सारे क्या 0। साइन टू के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वन कॉम्प्लीमेंट में प्लस वन ऐड करना पड़ता है। तो यानी जो आपका पॉजिटिव नंबर है उसका आपने वन कॉम्प्लीमेंट करना, अगर किसी नेगेटिव नंबर को आपने रिप्रेजेंट करना तब। अब मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 128, तो साइन मैग्नीट्यूड में इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट। अगेन साइन वन कॉम्प्लीमेंट में -128 को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कितना वो इतना जा रहा है, अब इससे आगे नहीं जा सकता। अब ये क्या शो कर रहा है आपका -127, लेकिन साइन टू में हम 128 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करना हमने, 1000000, तो यहाँ पर आप इसका जो रिप्रेजेंटेशन है 128 का वो ये है। तो अगर आप यहाँ पर जैसे रेंज में देखूं यहाँ पर 128 से लेकर 127, तो मतलब क्या हुआ आपका, अगर 127 से आ रहा नीचे करके 0, फिर उसके बाद आएगा -1, फिर नीचे जाएगा 128, तो ये जो -1 है, तो -1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -1 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे +1 देखेंगे। तो +1 कैसे होता है साइन मैग्नीट्यूड में, 0 फिर उसको 0000001, यानी ये हो गया आपका +1। अब -1 करना तो हम क्या, मैं क्या करूँगा कॉम्प्लीमेंट यानी 1 0 1 1 1 1 1 1 0, उसके बाद क्या करूँगा +1, तो यहाँ पर क्या करूँगा +1 यानी 1 1 1 1 1 1 1 1, तो जो आपका -1 है वो क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1। तो आप खुद देखो, अगर आप जैसे जैसे डिक्रीज करते जाओगे तो लास्ट में क्या आएगा -128, तो उस केस में क्या होगा ये सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे और लास्ट में बचेगा 1 जो कि ये आ रहा 1000000। तो इसका मतलब साइन टू में आप 1 -128 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है इन साइन टू कॉम्प्लीमेंट इट इज पॉसिबल टू रिप्रेजेंट -128 विद 8 bits, क्यों, क्योंकि 0 की यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन है, -0 नहीं है, जिसकी वजह से एक नंबर और इसमें इंक्लूड हो सकता है और वो नंबर है -128। तो उसकी रेंज मैंने यहाँ पर बता दिया 2^n-1 अप टू +2n-1-1, यानी कि अगर 8-bit है तो यानी -2 8-1 2 +2 8-1-1, तो ये n की वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ बिट्स ऑफ रजिस्टर, तो बिट कितना 8 है, तो यहाँ पर 8 है, 8-1 7, तो 2^7 अप टू 2^7-1, 2^7 होता है -128 टू 2^7 यानी 128-127, तो ये आपके पास रेंज आ गया साइन टू कॉम्प्लीमेंट का। तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव नंबर्स को, और दूसरा इनमें हमने ये भी डिस्कस किया कि क्या क्या कंपैरिजन है डिफरेंट डिफरेंट साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन के। हमने ये भी देखा कि अगर हम दो कॉम्प्लीमेंट्स वन कॉम्प्लीमेंट्स के सेम नंबर को अगर हम ऐड करते हैं विद डिफरेंट साइन, तो उस केस में क्या होता है 0 आता है नेगेटिव, और वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है 2 रिप्रेजेंटेशन है 0 के, जिसकी वजह से एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम होती है। तो साइन टू कॉम्प्लीमेंट में आपका सिर्फ एक ही 0 रिप्रेजेंटेशन है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है आपके लिए, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में।
धन्यवाद।